Hi guys, welcome back to my channel. Hope you guys like my two previous videos. तो आज मैं सोच रही थी कि डिनर में मैं एंटीलर बना देती हूँ. तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं आप लोगों के साथ मेरी रेसिपी थोड़ी शेयर कर दूँ. तो मैं दो तरह के एंटीलर्स बनाने वाली हूँ आज, बीन्स वाले और स्पिनच एंड कॉर्न वाले भी. तो चलो आप लोगों को मैं वो वीडियो ही दिखा देती हूँ कि कैसे बनाते हैं. दिस इज वेरी वेरी गुड एंड क्विक मैक्सिकन फूड. तो वो हाफ आवर में बन जाएगा. आप अगर मैं बनाने जा रही हूँ आज तीन पीपल के लिए, तो मेरे पास इतनी क्वांटिटी है तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी. तो चलो आइए. तो गाइज इसके लिए मुझे चाहिए होगा ब्लैक ऑलिव्स. ये एंचिलाडा का सॉस है जो रेडीमेड यहाँ पे मिलता है कैन फूड में. और ये है बीन्स, ये है कॉर्न. तो मैंने फ्रोजन यूज किया है. आप यूज कर सकते हो फ्रेश वाले कॉर्न भी, वो बहुत उसका टेस्ट अच्छा आएगा. और ये है चॉप्ड अनियन. और ये है लेटस. ये है कॉर्न फ्लावर. ये टोटिया है जो मैक्सिकन फूड में यूज होती है. ये है टोमेटो केचप. और ये है स्पिनच. और मैं यूज करूंगी ये एवोकाडो भी. एवोकाडो एंड ऑनियन ऑप्शनल है, आप उसमें यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं. और मैं सॉस बनाऊंगी तब ऑरेगनो एंड ब्लैक पेपर यूज करूंगी और थोड़ा सॉल्ट भी डालूंगी उसके टेस्ट के हिसाब से. तो गाइस मैंने इसमें पैन में थोड़ा तेल लिया था और उसमें थोड़ी अनियन डाली थी और उसको थोड़ा सा येलो हो जाने तक वेट करना है. फिर उसके बाद फिर हम जो हमारा बीन्स है वो ऐड कर देंगे. तो यूजुअली जैसे कि मैंने बोला कि अनियन ऑप्शनल है, तो आपको यूज करनी है तो आप खाते हो तो यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो जस्ट ओनली बीन्स डाल दो. और बीन्स डाल के थोड़ा पानी भी डालना है उसमें, तो थोड़ा सा वो अच्छे से पक जाएगा अनियन भी और ये बीन्स भी. तो ये बीन्स कैन में होते हैं तो दैट्स गुड. अगर आपको ड्राई बीन्स भी यूज करना है तो भी आप यूज कर सकते हो. ड्राई बीन्स में होता है कि आपको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना पड़ता है एंड इट्स टेक लिटिल बिट टाइम. तो मैं ये कैन वाला ही यूज कर लेती हूँ. ओके, तो मैंने इसमें ना ये थोड़ा ऑयल लिया था और इसमें थोड़ा 2 टेबल स्पून वो ऑल पर्पज फ्लावर भी डाला है. अगर आपको वो स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो अगर डालना है तो. इससे ना वो होता है कि जो सॉस की थिकनेस होती है ना वो अच्छे से रहेगी. और जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है क्योंकि वो जल ना जाए बीच में. तो अभी ये मेरा फ्लावर रेडी हो गया है तो मैं इसमें डालूंगी ये मेरा सॉस जो टोमेटो सॉस है, तो वो इसमें डाल देना है. और इसके बाद थोड़ा हम वो एक कैन डालेंगे एंचिलाडा का सॉस मिक्स करेंगे हम, तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है. और ये दिखेगा भी अच्छा. और इसमें डालेंगे हम अभी वो ऑरेगनो लीव्स थोड़ा डालेंगे. और ब्लैक पेपर डालेंगे थोड़ा. और टेस्ट के हिसाब से हम थोड़ा सॉल्ट भी डाल देंगे उसमें. अगर आपको लगता है कि थोड़ा सॉल्ट ज्यादा है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हो. शुगर भी ऑप्शनल है. इफ यू गाइज वांट थोड़ा स्वीट चाहिए आपको तो शुगर भी आप ऐड कर सकते हो. तो हम अभी बनाएंगे ये कॉर्न और स्पिनच जो हम इसके भी एंचिलाडास बनाने वाले हैं. पैन में लिया है मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल एंड अभी उसमें डालूंगी मैं ये कॉर्न. कॉर्न को थोड़ा ये
करीबन 5 मिनट तक उसको ढक के रखिए, तो वो अच्छे से पक जाएगा दोनों अंदर से। और ये पक जाए तो उसके बाद आप ना जो हमने सॉस बनाया था एंचिलाडा का वो थोड़ा अंदर डाल देना, तो वो जैसे कि ड्राई नहीं हो जाता है, अच्छे से सॉगी रहता है, और जब आप एंचिलाडा में ऐड करते हो तो उसका टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा ऐड करना है सॉस आफ्टर वो पक जाए उसके बाद। तो अभी ये हमारा सब सारा सामान रेडी हो गया है, तो अभी हम एंचिलाडास रेडी करेंगे। और थोड़ा सीजनिंग के लिए भी मैंने थोड़ी चीजें ऐड की है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको स्पाइसी लेवल कम चाहिए तो कम डालिए, अगर नहीं चाहिए तो यू डोंट नीड टू पुट दैट। तो अभी मैं ये है एवोकाडो जो मैंने चॉप्ड कर लिया था पहले ही, अभी ये है मेरा बीन्स जो मैंने ऑनियन डाल के ले लिया था बना दिया था, और ये है मेरा स्पिनच एंड कॉर्न, एंड ये है मेरा सॉस एंचिलाडा जो मैंने बनाया था वो रेडी हो गया है, और ये है लेटस। तो आप ऊपर भी डाल सकते हो एंचिलाडास के और साइड में भी खा सकते हो, दिस इज हाउएवर यू वांट यू कैन प्रिपेयर। ये है चिली फ्लेक्स, तो आप थोड़ा स्पाइसी लेवल करने के लिए ऊपर डाल सकते हो सीजनिंग के लिए। और ये है हालोपिनोज, तो ये भी डाल सकते हो आप, जैसे आपको जितना स्पाइसी चाहिए ऐसे डाल सकते हो। तो लेट्स मेक स्टार्ट टू मेक एंचिलाडास। और ये है मेरी टोर्टिलास, तो मैं अभी आपको बनाऊंगी, तो आपको बनाते बनाते दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है ये। तो गाइज अभी हम एंचिलाडास बनाएंगे, हमारा सारा प्रिपरेशन रेडी हो गया है। तो मैं पहले टोर्टिला में बीन्स रखूंगी, ये टोर्टिला बना सकते हो और पर्पस फ्लावर से भी, जो कि इंडिया में शायद नहीं मिलती है ये टोर्टियास, और यहाँ पे तो मिलती है, तो यू कैन जस्ट मेक इट एट होम टू विद द ऑल पर्पस फ्लावर। उसका भी मैं एक वीडियो डालूंगी कि कैसे टोर्टिया बनानी है। और आप दो तरह के बना सकते हो, जैसे कि बीन्स वाला अकेले बना सकते हो और अकेले बीन्स स्पिनच और कॉर्न के भी बना सकते हो, और आप एक तरह से मिक्स भी कर सकते हो दोनों को, तो वो भी अच्छा लगता है। तो मैं आज बनाऊंगी दोनों को मिक्स करते हुए। तो मैंने पहले थोड़े बीन्स रख दिया है और उसके अंदर मैं थोड़ा स्पिनच भी डाल दूंगी और कॉर्न वाला पार्ट, तो वो भी अच्छा लगता है। और उसके अंदर मैं थोड़े डालूंगी ये एवोकाडोस, ये आपको अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़े ही पीसेस डाल रही हूँ, मुझे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। और बस उसको ऐसे रोल करके बंद कर देना है। अभी मैं दूसरा बनाऊंगी सेम तरह से, तो पहले ये बीन्स रख दिया मैंने, अभी मैं रख रही हूँ ये कॉर्न, और उसको अंदर मैं थोड़े ये एवोकाडोस रख दूंगी और उसको रोल अप करना है ऐसे। दोनों को रख दो और अभी हम उसका सीजनिंग करेंगे, तो उसके ऊपर पहले डालना है आपको सॉस। तो सॉस आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हो, मुझे थोड़ा सॉस वाला अच्छा लगता है, तो आई विल गोइंग टू मेक विद लॉट्स ऑफ सॉस ऑन टॉप ऑफ द एंचिलाडास। अभी हम सीजनिंग करेंगे उसका, तो सीजनिंग में चाहिए हमको मैं डालूंगी ये चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स स्पाइसेस लेवल से आप डाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बहुत इट्स वेरी स्पाइसी। और उसके ऊपर डालूंगी ये मैं ब्लैक ऑलिव्स, और उसके ऊपर मैं डालूंगी ये हालोपिनोज, जो कि मैंने पहले भी बताया कि ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो उसको। और तो अभी ये हमने सीजनिंग कर दिया है, और उसके ऊपर थोड़ा रखेंगे हम मैक्सिकन चीज, और ये मैक्सिकन चीज
उस पर ज़्यादा अच्छी लगती है। आप और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अमूल की है, माजरोला चीज़ है, लेकिन सिंस वी आर मेकिंग मैक्सिकन फूड तो मैक्सिकन चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी उसके ऊपर। चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और ये हमारा प्रिपरेशन रेडी हो गया है एंचिलाडास के लिए, तो अभी हम माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव में आपको 1 मिनट तक उसको माइक्रोवेव में डालना है, तो 1 मिनट के बाद ये चीज़ ना मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद इट्स गोना बी रेडी। तो ये जो है लेटस, तो आप उसके बाद ही ऊपर रखना, पहले से मत रख देना तो वो सॉगी ना हो जाए। तो आप साइड में भी खा सकते हो और ऊपर भी खा सकते हो लेके। और ये हमारा एंचिलाडास रेडी है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ आफ्टर माइक्रोवेव्स। तो गाइज हमारा एंचिलाडास रेडी है, मैंने माइक्रोवेव में 1 मिनट रखा था। 1 मिनट में ये चीज हमारी सब मेल्ट हो गई है, और मैंने डेकोरेशन में लेटस भी साइड में रखा है। अगर आपको पसंद है तो मैक्सिकन राइस भी आप उसमें यूज कर सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी होता है। तो होप यू गाइज लाइक माई रेसिपी, एंड इफ यू गाइज लाइक, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन टू सी माई नेक्स्ट वीडियो।